पहली धान की रोपाई। फिर किसानों से गपशप। राम राम जी। राम राम। अच्छे लगा रहे हो जी जमा? ठीक लगा रहा हूँ। हाँ अच्छे। देखें राहुल गांधी का देसी अंदाज। ये ले रहा बोतल। ये खा तो देखो जी। आप भी खाओ ले। मड़ा मड़ा ले लो। नाम है तस्वीर जी। मैं संजय के पास काम करता हूँ। हम लोग को 10 साल हो गए साथ में काम करते हैं। हमारी तो दोस्ती है जी, दोनों से बचपन से दोस्ती है। ये हमारे साथ रहते हैं पहले दिन पे, कहीं भी जाते हैं आते हैं, इकट्ठे चले जाते हैं आ जाते हैं, साथ बैठ कर खाते हैं दोनों। पंचायती जमीन है जी, ये 1 साल के लिए पट्टा मिलती है। समस्या तो ये जो फसल बेचते हैं वो टाइम पे बिकती नहीं, उनका टाइम पे पैसा नहीं आता, नहीं को सरकारी सुविधा मिलती। किसानों को कोई इज्जत नहीं देती जी, ये सरकार ऐसी आ रही है, सब कुछ महंगा कर दिया। ये गरीब आदमी कहाँ से खाएगा और कहाँ कमाएगा, काम नहीं लगा, भूखे मरे आधे बाद। लोन लेके खरीदो? वैसे तो मिलता ही नहीं। आप चलोगे हमारे साथ? हाँ मैं देखता। नमस्कार, कैसे हो आप? ये टूटता नहीं है, खराब नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, और इसके जो औजार है ये भी नहीं होते। कितने साल चलते हैं? चलते हैं 15-20 साल। तो आपने ठेके पे ले रखी है और आप क्या करते हो? आपको भी इसका अच्छा अच्छा आपको कितना पैसा मिलता है 1 एकड़ का? 1 एकड़ का 10,000 रुपए। फसल कितनी होती है साल में? दो। तो 1 एकड़ का आपको 20,000 रुपए मिलता है? हाँ जी। मुश्किल काम है। नमस्कार, कैसे हो आप? जैसे आपके 5 एकड़ हैं, हाँ। तो पूरे को करने में कितना टाइम? पूरे को तो जी पूरा दिन लग जाएगा, 1.5 दिन भी लग जाए। मतलब 1.5-2 दिन में आपका पूरा हो जाता है? हाँ। उसमें कितना पैसा लगता है? तो ट्रैक्टर का डीजल हो जाए। हाँ। कितना डीजल लगेगा 5 एकड़ में? लग जाएगा 10,000 का तेल। और इसमें 1 एकड़ में कितना लेबर लगता है? 10 बंदे भी लगा देंगे। हाँ। कम बंदे होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो 10 बंदे कितना टाइम में करेंगे इसमें? दोपहर तक कर देंगे। और इसमें कितना पैसा लगेगा आपका? ये लेते हैं जी 3500 रुपए। 3500 रुपए जो है? हाँ। कितने लोगों के लिए? जैसे 10 बंदे हैं। हाँ। 1 एकड़ लगा दिया 3500 रुपए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो प्राइवेट हो रहा है, ये फायदा किसको जा रहा है? फायदा दो नुकसान का, तो जैसे बरसात ज्यादा होगी फसल मर जाए। 5 साल में 3 बार खत्म होगा, 2 बार मिलेगा, तो ज्यादा नुकसान होता है। ज्यादा नुकसान। अगर आप 10 साल पहले, आसान था या अब आसान है? पहले आसान था। क्यों? पहले सारी सुविधा मिल जाएगा। क्या क्या मिलता था जो आज नहीं मिलता? जो बीमा है जैसे सब कुछ मिलता था पहले, और भी मदद बहुत सरकार की तरफ से। ये सरकार दो जी बहुत निकम्मी है बिल्कुल। इससे किसान दो पहला दर्जा है सरकार का, ये खत्म कर दिया है। मतलब आपकी जिंदगी आसान हो रही है या मुश्किल हो रही है? मुश्किल हो रही है जी अब। क्यों? क्यों मजदूरी नहीं? पहली बात तो पहले इसको नहीं मिलता तो मेरे को कौन देगा? तो क्या क्या स्कूल में क्या क्या पढ़े आप? तो मेरा सपना क्या था? सपना था दादा टाइम जब आप पढ़ रहे थे, मैं तो ये मान रहा था आर्मी में पैदा हूँगा, आगे बच्चे भी आर्मी ज्वाइन करेंगे। मेरा बाप को बोले हेडमास्टर सब कुछ, बोले भाई अपने बच्चे को ले जा, क्यों पैसा खराब करे, हमारा दिमाग खराब। पापा को बोल दिया? हाँ जी। पापा ने क्या बोला? नो रे भाई ठीक है, भोले आदमी थे जी हूँ।
कोशिश की आर्मी में जाने की? पढ़ाई रह गया जी, आगे कौन जान दिया, बीच में छोड़ गया पढ़ाई, बीच में कैंसिल कर दिया छुट्टी मैंने जी। माँ बाप ने बोल दिया भाई अपना ये काम कर, खेती बाड़ी वाला मजदूरी का, और ये सरकार तो कुछ भी नहीं दे रही। जिसको जमीन उसको तो 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिल जाती है, जिसको जमीन है उसको मिलती है, उसको मिलती है। जैसे आप यही नहीं, आप कर्ज पे ले रहे हो तो आपको मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। अच्छा दिखाइए कैसे करना है। कहाँ कहाँ के हैं आप? यही के हो सब? आप कितने घंटे से काम कर रहे हो? हम से ज्यादा सात बजे करा हाँ जी। और रोज करते हो? हाँ जी। कैसे करते हैं? इसको करने की मशीन नहीं आती? हाँ ये हाथ से ही करना पड़ता है। मशीन तो आती है जी, फिर कामयाब नहीं। राम राम। अच्छे लगा रहे हो जी जमा? ठीक लगा रहा हूँ। हाँ अच्छे। तो क्या करना चाहते हो बाद में बड़े होके? एनिमल डॉक्टर। एनिमल डॉक्टर? एनिमल डॉक्टर क्यों? मेरे को पशु अच्छे लगते हैं। यस। अच्छा तो कौन से पशु अच्छे लगते हैं आपको? बफेलो। बफेलो? कैसे हैं आप? नमस्कार। रमन लेके आए हूं जी, यहां की यहां के पेड़ की है जी। नहीं देश के किसान और मजदूर के लिए इसके बड़े सम्मान की और क्या बात होगी आप हमारा। मैं देखना चाह रहा था, थोड़ा समझना चाह रहा था।